राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छी मम में स्वागत है। दिन है शुक्रवार और काम मेरा सारा हो चुका है, नहा ली हूँ और अब यहाँ पे जो कपड़े हैं वो तय तो मैंने लगा रखे हैं, ज़्यादातर बस ऊपर रखे हुए हैं थोड़े से कपड़े। ये भी बच्चों के ही हैं जो मैंने इनमें से निकाले थे, बास्केट वगैरह में से, और नीचे खटोले पर मैंने सबके तय लगा लगा करके अलग अलग रख रखे हैं। जैसे मेरे अलग रख रखे हैं, मास्टर जी के लोअर टी शर्ट अलग हैं, पैंट शर्ट अलग हैं, बच्चों के नए अलग थे, पुराने अलग थे, मतलब सबके मैंने ऐसे रख दिए थे। अलमारी में मैंने जानबूझ के नहीं रखे क्योंकि मुझे सारी जो अलमारी है तीनों की तीनों अच्छे से सेट करनी है दोबारा से, क्योंकि देखो सर्दियों के कपड़े निकल गए, उनमें से क्या है ना, समझ ही नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो अब ये है कि मैं सबके अलग अलग रख दूँगी, सर्दियों के अलग रख दूँगी और जो वैसे पहनने के होते हैं नीचे वो अलग रख दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो बच्चों वाले जो कपड़े हैं वही निपटाते हैं। तो यहाँ पे ये एक जो बास्केट है इसमें मैं बच्चों के नए कपड़े रखती हूँ जो आने जाने में यूज होते हैं। तो उनमें से जो गर्मियों के कपड़े हैं, मतलब आराधे के जैसे फ्रॉक वगैरह थे, बिना बाजू के गाउन थे, जैकी भी थी, शॉर्ट्स थी, टी शर्ट थी, वो मैं सब निकाल करके इस बैग में रख दूंगी और इसको मैं बेड में रख दूंगी और इस बास्केट में मैं इनके जो गर्म कपड़े हैं वो रख दूंगी। तो इसी तरह से जो पुराने कपड़े हैं वो रखने हैं, एक बास्केट में जय के पुराने होंगे और एक में आराध्या के पुराने होंगे और एक बास्केट में इनके जो घर पे पहनने वाले होते हैं गर्म कपड़े वो रख दूंगी। तो भाई अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो सामान है वो दिखाऊंगी कि मास्टर जी के लिए जो क्या क्या शॉपिंग है वो की है, और मास्टर जी की शॉपिंग शुरू हो गई है ना मास्टर जी, और वो मैं आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करती हूँ। पहले क्या दिखाऊँ, पहले मैं आपने दिखा दूँ जूते। तो जूते लिए हिन्ने प्यूमा के, तो ये देखो जो जूते ये लिए हैं इन्हें, ये पसंद आए इनका, ये देखो इस तरह से। बाकी लाइट वेट है जम्मा, बिल्कुल भी वजन को नहीं है ना, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। पसंद आए और वाला रेड चीफ केयर उसके पैर का तो बोझ जी है, कितना बोझ है उनमें, मेरी एड़ी लागी दुखना है। हां बहुत बोझ है, बोझ भी बहुत ज्यादा है, गिफ्ट करूंगा किसी को। और ये चल है बस मेरा नहीं, आपका एक बार के बहम हो गया था दोजीत मास्टर जी दो आए थे उड़ता है, बहुत अच्छे लिगड़े उन्होंने कौन सा शब्द आ गए। तो जूते ये लिए हैं मास्टर जी ने, और दिखा दो भाई यो मैंने एनिवर्सरी गिफ्ट, मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट मंगवाया मैंने यो आपके लिए, बेला, बेला, तो इसलिए अब की बार ये मत बोल देना कि एनिवर्सरी दोनों की होती है और गिफ्ट सारे से ही मांगो मिलते हैं, ठीक है। देख लफाफा में भी क्या मंगा ली इन्हें यही से ही से काम ना करा करो। तो भैया एक स्पोर्ट्स वाच, फायर बोल्ट, फायर बोल्ट, बोल्ट कोबरा ब्लूटूथ है, अच्छा जी मंगाई तो मन है बोला हूँ पता मैं इस डॉल है जनों ही नहीं पता पड़ा है, स्पेलिंग नहीं आता है। ओ स्पेलिंग की भी बात को नहीं होती, कई बार निकल जाए गलत भी निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये देखो भी यही ना खोल के देखी थी तो इस तरह तरह थोड़ी सी वो हो रही है, उलट पुलट कर रखी है, वो ना करिए अपने भैया ये अभी के बोलांगे ना अटैच नहीं करी करूंगा मैं, देखो चस भी गई। तो यह मंगवाई है और इसके साथ में यह चार्जर है, ठीक है। कितने की पड़ी वैसे यह 1700। अब तो इसका रेट 2100 हो रहा है ये इस टाइम पे, फिलहाल चेक करी थी वीडियो बनाने से पहले 21 हो गई है। तो भैया कि नया जो स्मार्ट वॉच है वो मंगवाई है, रख दी बेटा इसने लगता है। तो ये मास्टर जी का एनिवर्सरी गिफ्ट है मेरी तरफ से, तो मेरा गिफ्ट अभी पेंडिंग रहता है, मैंने आपको दे दिया है। पेंडिंग की बात नहीं है, इतना जान दे दे ज्यादा है। मैं क्या थोड़ा तो भेज देगा, अच्छा। तो एक ये जो लोअर है वो मंगवाया है, ये देखो इस तरह का बहुत अच्छा निकलेगा, यो देखो भाई बाकी पहली बार लिया होगा इस टाइप का, तो है ना, और नीचे तो ये बंद है। हाँ डिजाइनदार सूट्स में आओ तो निम्न हो चाहे डिजाइनदार पजामा ले लूँ, सही बात है यार।
सही बात कही आपने। तो देखो ये लटके हैं, मैं पेंटा का लटके करे ना बादी सी वे वाली, तो यू वही एक जो लोअर है वो लिया है, जूते लिए हैं, घड़ी ली है, तीन चीज तो ये थी, और कुछ सामान वैसा मंगवाया है। यो मंगवाया है हिमालय का नीम फेस वॉश, क्योंकि इनको यही चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। तो बाकी बहुत कम यूज करूंगे, कभी कभी ला लूं, साल तो चल जाएगा, कोई नहीं और पैकिंग आ जाएंगे ना दो एक दो। और यो सर्दियों खातर मंगवाया है, वैसे तो हम दूसरा यूज कराया करा एड एंड शोल्डर का, क्योंकि भाई डैंड्रफ वगैरह मैं थोड़ा सा फर्क रहा है इसका, तो सर्दी में डैंड्रफ की दिक्कत हो है, सर्दी में हुआ है, गर्मी में नहीं होती, तो सर्दी में डैंड्रफ ना हो तो कभी कभार इसके साथ अपना सिर धो लें। और एक मंगवाया है ये वाली पैकिंग बजाज, अच्छी चल रही है लंबी, हाँ या काफी टाइम चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि तेल तो हम घर पर भी यही यूज करते हैं, और इनके लिए भी यही मंगवाया है। और एक मंगवाया है संतूर बाई फोर गेट वन फ्री साबुन, ठीक है, तो इसमें पांच साबुन है चार के साथ एक, हाँ। और यो था सामान, छोटी सी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों को दिखाई, और कैसे लगी जरूर बताना कमेंट करके, और इन सभी चीजों के जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो वहां पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, और जो भी सामान आपको लेना है वो आप लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया है करीब 2:45 के आसपास का टाइम, बच्चे आने वाले हैं स्कूल में से, तो अब मैं लगा रही हूँ आटा, और आटे में मैंने जो रात में मैंने बथुआ और जो पालक है वो रखी हुई थी बचा करके वो डाल दिए, कुछ सुबह के टाइम पे डाल दी थी, और खाना अभी तक मैंने भी नहीं खाया है, क्योंकि अकेले के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और हम आलस कर ही जाते हैं, और मेरे को फिर इतना ये भी नहीं होता कि भाई हाँ भूख लगी हुई है, खाती भी हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटी खाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाती, हाँ भाई कुछ ज़्यादा ही सब्जी टेस्टी लगा या फिर परांठे वगैरह बन रहे हैं तो हाँ दो खा लिया करूँ। तो अब मैंने सोचा कि उनका भी टाइम हो गया, और पहले अगर मैं आटा लगा के रख दी अपने लिए बना दी तो फिर आटा थोड़ा सा वैसा हो जाए, क्योंकि फ्रिज में तो हम रखते नहीं, और बाहर मेरा नूं था कहीं भाई ज़्यादा ढीला ढीला सा ना हो जाए फिर अच्छे नहीं बने, तो इस करके मैंने सोचा कि सबके मैं इकट्ठे बना लूँगी, और बस अपना जो काम है वो करती रही, दो टाइम चाय पी रखी है, और थोड़ी सी जो नमकीन है वो खाई थी सेकेंड टाइम की चाय गल्ला, और ज़्यादा तो नमन मास्टर जी का था, क्योंकि वो रात में ही बोल रही थी कि मेरे लिए भी ना सुबह में परांठे बना देना, लेकिन लेट हो रहे थे तो फिर बस जल्दबाजी में ऐसे ही निकल गए बिना खाए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई मैं बाद में ही बना दूँगी आने के बाद स्कूल से, और यहाँ पे इस रात में रोटी अच्छे से बेलने नहीं जा रही थी क्योंकि छोटी पड़ रही थी, और बेलने जो है वो हमारे पास नीचे वाला जो चकड़ा वो एक है, बाकी सारी चीज़ें दो दो हैं, क्योंकि मैं रोतक गई थी जब हमने तवा भी लिया था बेलन भी लिया था, परात तो होती है ये कई कई रखी हुई हैं, कई तो संदूक में भी रखी है नहीं, क्योंकि एक तो ये छटी वगैरह पे भी बांटते हैं कई परात, और वैसे भी पहले भी तीन चार थी घर पर, तो यहाँ पे बस जैसे तैसे मैंने हाथों से जो परांठे हैं वो बधा लिए हैं, और बाद में अरादे पे मंगवाऊंगी नीचे तक बेलन, काउंटर टॉप पे मेरा मन को नहीं कर रहा था क्योंकि साफ कर रखा था सारा, तो फिर मेरा सारा आटा आटा हो जाएगा दोबारा, तो फिर साफ करना पड़ेगा। आज मेरा ज़्यादा मन नहीं था क्लिप निकालने का, बस शॉपिंग व्लॉग था वो तो मेरे पहले के ही बना हुआ वीडियो था, बस मैंने इसी में ऐड कर दिया, वरना मैं अलग भी डाल देती हूँ शॉपिंग वाला, तो क्योंकि आज ये क्लिप ज़्यादा निकल नहीं रही थी, और फिर भी ये छोटा सा ही व्लॉग बनेगा, क्योंकि बस दो तीन कामों की मैंने क्लिप निकाली थी, एक तो ना सुबह के टाइम पे अब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पहले तो ये हो जाता था भी हेल्प हो जाती थी, अब सुबह के टाइम पे बच्चे भी तैयार करो ट्यूशन भी करो और भी बहुत सारा काम हो जाता है, मुझे अपने वीडियो का भी देखना होता है, तो इस करके फिर काम भी लेट होता होता वो हो ही जाता है लेट लेट। और एक मुझे आज ये था कि चाहे वीडियो बेसक से ना बने बस मैं कपड़ों का काम जरूर संगवाऊंगी कि कुछ तो निमटे, आधा आज निमट जाएगा आधा कल, बस संडे तक मेरे को ये है कि कपड़े मुझे सारे जहां भी जो भी सेट करने हैं तय लगा करके प्रेस करके मुझे करने हैं, और दो तीन दिन तो मेरे को आराम से लग ही जाएंगे तीनों अलमारियों में, तो इस करके मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं निकाली, और थोड़ा सा मूड भी कम ही करता है व्लॉग बनाने का, नहीं मन करता मेरे को, ये होता है कि क्या करूँ अकेले क्या ना करूँ, तो बस इस करके। और मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, चाय के साथ जो पराठे हैं वो खाऊँगी, बच्चों के लिए दूध गर्म कर दूँगी, और उसके बाद थोड़ी सी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि अभी तक मैं लेटी नहीं थी, बस ये है कि 15-20 मिनट थोड़ा सा फ़ोन देख लूँगी भाई, जो भी अपनी मनपसंद चीज़ें होती हैं, वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं देखती, बस मैं यही देखती रहती हूँ भाई
ज़्यादा मुझे प्लांट्स का ही रहता है, पता नहीं क्यों। जैसे जो बालकनी टूर है, गार्डन एरिया, उसकी वीडियो देखना मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मतलब वो चीज़ मुझे सुकून देती है ना, इतना कोई और चीज़ देती नहीं। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। और ये जो क्लिप है वो काफ़ी टाइम बाद की क्लिप है, क्योंकि बच्चे आ गए थे, फिर ये आ गए, और अब बच्चे ट्यूशन पे चले गए हैं, ये गए हैं छोड़ने के लिए। तो ये लेकर के आए थे संतरे आते टाइम, तो अब मैं उनको निकाल करके रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है, स्पेशल आराध्या को, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये होता है कई बार मैं बीजी होने के कारण खा नहीं पाती, ख़त्म ही हो जाते हैं, उसके बाद मुझे ये होता है कि आज संतरे नहीं है, और उस दिन होते नहीं है ना घर में, उस दिन मन करता। वैसे तो लगभग रहते ही हैं, क्योंकि मास्टर जी ले आते हैं और अच्छे हैं, क्योंकि भाई अब देखो सस्ते भी हो रहे हैं, तो ज़्यादा महंगी चीज़ें तो हम खा नहीं सकते भाई। हाँ, हम जैसे जो फैमिली होते हैं वो 100 रुपये किलो की चीज़ खाएंगे, वो नहीं खा सकते। तो ये है, अब सर्दियों में जैसे संतरे हैं, गाजर हैं, भाई जूस बना के पी लो, या फिर वैसे खा लो, उससे अच्छी तो बातें नहीं होती, तो शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद है काफ़ी, है ना। और सोच रही हूँ कि सोमवार से ना अपना एक अलग रूटीन में आ जाऊँ बिल्कुल, जो भी एक्स्ट्रा काम है वो संडे तक निपटा दूँ। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं, कितना नहीं। और यही था आज का व्लॉग। अब आ गया था ताज़ा पानी पीने का, तो वो भरना है, मतलब है तो पानी तो वही है, लेकिन ऊपर से अलग हमने लगवा रखी है टूटी ताज़ा पानी की। तो चलिए फिर इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, टेक केयर।